रिसेंटली सभी को ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट मार्केट है, सिर्फ नंबर्स पे खेला जा रहा है। बट कुछ ब्रांड्स हैं जैसे ओप्पो, वीवो या शाओमी या और भी कुछ हैं जो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड आज ओप्पो इनोडे 2020 था जहाँ पर इन्होंने काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें दिखाया था, बट मेरा फेवरेट था ओप्पो एक्स 2021 कॉन्सेप्ट रोलेबल स्मार्टफोन। ओके, अब ये रोलेबल स्मार्टफोन्स क्या है? आप सबने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड देखा होगा जो कि एक टैबलेट है जो फोल्ड होके स्मार्टफोन का फॉर्म फैक्टर लेता है। अगर आपको पॉकेट में रखना है तो आप उसे फोल्ड कर सकते हो, अगर आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हो तो आप उसे अनफोल्ड करके एक बड़ी स्क्रीन में मीडिया एंजॉय कर सकते हो। ओप्पो एक्स 2021 एक रोलिंग मैकेनिज्म या रिट्रैक्टेबल मैकेनिज्म यूज करता है जहाँ पे आपको एक टैबलेट है जो रिट्रैक्ट होके या रोल होके एक स्मार्टफोन का शेप अचीव करेगा। ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को, रोल्ड फॉर्म में है ना वो लिटरली स्मार्टफोन ही लगता है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये फोल्ड हो रहा है अनफोल्ड हो रहा है। तो जो फॉर्म फैक्टर है स्मार्टफोन का उसे काफ़ी अच्छी तरीके से ये अचीव कर लेता है। इन थ्योरी 6.7 इंच से लेके 7.4 इंच तक वो अपना स्क्रीन को वेरी कर सकता है, जिसके बारे में अभी एंड में बात करेंगे। एंड इतना सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म को अचीव करने के लिए ओप्पो ने काफ़ी इनोवेशन किया है। ओप्पो क्लेम करता है कि 124 पेटेंट्स है जिसमें से 12 पेटेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस रोलिंग मैकेनिज्म के लिए। ओप्पो ने सबसे पहले यहाँ पे यूज़ किया रोल मोटर पावर चेन जो कि एक मोटर सिस्टम है जो इसे रोल करने में इजी करता है। ऐसा नहीं कि आपको अनफोल्ड करना पड़ेगा, साइड पे स्वाइप करना है, खुद अनरोल होगा या अनरिवल होगा, उसके बाद अगर आपको छोटा करना है फिर भी एक स्वाइप करना है साइड पे जो छोटा कर देता है। ये टेक्नोलॉजी जो है ना स्क्रीन को स्पेसिफिकली 6.8 मिलीमीटर पे बेंड करता है। अब ये जो नेम है 6.8 मिलीमीटर या जो नंबर है 6.8 मिलीमीटर, इसे ध्यान रखना क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डायमीटर पे बेंड करेंगे या उससे कम पे बेंड करेंगे तो आपको स्क्रीन में क्रीज देखने को मिलेगा। अब क्रीज क्या होता है, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड हो गया या मोटो रेजर हो गया या जो भी स्मार्टफोन जो फोल्ड करता है उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लास बीइंग ग्लास, या अगर आप फोल्ड करोगे टूटेगा या फिर जब आप ग्लास्टिक यूज़ करोगे तब क्रीज फॉर्म होगा। क्रीज जब आप रेगुलरली यूज़ करोगे, एक दिन दो दिन एक साल के लिए आपने यूज़ किया तो वैसे एक महीने पे आ जाता है, तो उसमें सेंटर में एक लाइन दिखने लग जाता है जो अजीब सा लगता है। एंड जब आप यूज़ करोगे ना आपको लगेगा कि ओके अजीब सा हो गया जब हम फोल्ड अनफोल्ड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। एंड यही एक सबसे बड़ा कॉन माना जाता था फोल्डेबल स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लिए, बट ये इसे 6.8 मिलीमीटर पर बेंड करके उसे बिल्कुल हटा दे रहे हैं जो कि एक सबसे बड़ी एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपने स्मार्टफोन को कम्प्लीटली बड़ा कर रखा है, अनरेवल कर रखा है या अनरोल कर रखा है, उस समय सेंटर ताकि वीक ना पड़े इन्होंने 2-in-1 प्लेट सिस्टम भी यूज़ किया ताकि एक कोर स्ट्रेंथ अचीव कर सके। एंड फिर डिस्प्ले को पर्टिकुलरली या प्रिसाइसली 6.8 मिलीमीटर में बेंड करने के लिए इन्होंने व्रैप ट्रैक टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया। अब व्रैप ट्रैक टेक्नोलॉजी एक हाई स्ट्रेंथ स्क्रीन लैमिनेट टेक्नोलॉजी है जो कि आपको हेल्प करेगा स्क्रीन को इतने प्रिसाइसली बेंड करने में। एंड इसका जो थिनेस्ट पॉइंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 मिलीमीटर थिन है, तो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेरा थॉट्स या ओपिनियन देने से पहले इसका एडवांटेजेस बता देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे यार फोल्डेबल स्मार्टफोन्स है, सैमसंग बना रहा है, सही भी चल रहा है, दो दो जनरेशन स्मार्टफोन बना चुका है, मोटो रेजर है, अब ये रोलेबल की क्या जरूरत है? बता देता हूँ, पहला चीज़ आपको कोई भी क्रीज नहीं देखने को मिलेगा, क्रीज जहाँ पे जिस एरिया पर बेंड होता है वहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लेयर नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये सबसे बड़ा कॉन था फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पे, जैसे ये सिंगल हैंडेडली सॉल्व कर देता है। सेकेंड चीज़, स्मार्टफोन टाइप लगता है यार, ऐसा नहीं कि आप एक टैबलेट टाइप सा है, अजीब सा है, नैरो सा फॉर्म फैक्टर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा लगता है। हो सकता है कि आपका वन प्लस 8T जैसा लगे बट वो अनरोल हो रहा है या रोल हो रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है, कंफ्यूजिंग है। तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा सही चीज़ लगा, क्योंकि एक स्मार्टफोन को स्मार्टफोन रहने दो, उसे टैबलेट बनाने की कोशिश मत करो या फिर पेंसिल टाइप बनाने की मत कोशिश करो काफ़ी पतला सा स्क्रीन देखे, ऐसा नहीं, एक नॉर्मल स्मार्टफोन लगेगा। एंड थर्ड चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज अचीव कर सकते हो। अगर आप मूवी देख रहे हो तो 16:9, अगर आप कोई सिनेमैटिक बाहर वाली मूवी देख रहे हो तो आप 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि वो अनरोल हो रहा है तो उस पर कंट्रोल है कि डिस्प्ले कितना दिखाना है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो और बड़ा हो सकता है, अगर आप ई बुक पढ़ रहे हो तो एक वाइडर एस्पेक्ट रेशियो के पास जा सकते हैं, या फिर स्प्लिट स्क्रीन मेन्यू, आपने देखा होगा आजकल जैसे स्मार्टफोन्स है हमारे, सेटिंग्स पे जाते हो या फिर कोई भी ऐप ओपन करते हो, एक मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हो ना तो दूसरा मेन्यू जो है उसके ऊपर खुलता है, समझ रहे हो क्या, थोड़ा इमेजिन करके देखना। बट टैबलेट में क्या होता है ना, एक मेन्यू पे आपने क्लिक किया जो साइड उसका मेन्यू जो है ना वो साइड पे खुलेगा, तो आपको एक कंप्लीट कंट्रोल इसमें देखने को मिलेगा जो कि ऐसे टेक्नोलॉजी पे आप कर सकते हो, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा।
कहने में, इसे विजुअलाइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा होगा, बट अगर आप इसे रियल लाइफ में यूज करोगे ना तो आपको इसका बेनिफिट्स समझ आएगा। बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स भी लगा मेरे को पर्सनली, जैसे हमने ऑलरेडी बात किया इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म के बारे में, इतना पेटेंट्स के बारे में, विच क्लियरली प्रूव्स कि अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें बैटरी लाइफ का क्या सीन होने वाला है, क्या आप एक नया बैटरी डिज़ाइन करोगे या बनाओगे, क्योंकि रोल हो रहा है थोड़ा सा और ज़्यादा बैटरी इमेज अचीव करने के लिए, कुछ नया डिज़ाइन करोगे, इसका ड्यूरेबिलिटी का क्या सीन है, अगर अनरोल्ड है गिर गया क्या सीन हुआ, एंड कितनी बार अनरोल हो सकता है, कितनी बार ये रिट्रैक्ट कर सकता है, इन सब का क्वेश्चंस ओप्पो ही बता पाएगा। एंड जैसे कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन है ना, इसे काफ़ी लोग हल्के में ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि अरे यार कंपनी सिर्फ अपना जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है वो दिखाने के लिए कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीवो ने वीवो नेक्स्ट स्टार्टिंग उसमें उन्होंने अपना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिखाया था एंड पॉपअप कैमरा भी दिखाया था। स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों का अजीब सा थॉट्स था क्योंकि किसी एंगल पे काम करता था किसी एंगल में काम नहीं करता था, एक्यूरेट नहीं था, पॉपअप मैकेनिज्म को भी लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट था। बट क्योंकि कुछ लोगों ने या एक सेक्शन ऑफ लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया था, इसे सपोर्ट किया था, आज क्योंकि मास प्रोड्यूस हो रहा है, 10-10 हज़ार के स्मार्टफोन है जिसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, 13-13 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो मेरा ओपिनियन यही है कि ये जो कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन्स है ना, इस पर बिल्कुल ट्रोल मत करो, बेइज्जती मत करो, क्योंकि ये अभी एक कंज्यूमर मार्केट के लिए नहीं बनाया गया, ये अभी दिखा रहे हैं। अगर ये सक्सेस होगा, अभी यूज़ किया जाएगा, सक्सेस होगा तो इसे मास प्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है कि एक टाइम पे रियलमी C20, C30, वैसे जिस तरीके से स्पीड में जा रहा है, रियलमी C90 आ रहा होगा, उसमें हमें रोलेबल डिस्प्ले देखने को मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा मास प्रोड्यूस हो रहा है, इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया इसे, तो अब इतना सेफ है कि इस सस्ते प्राइस में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर पॉपअप कैमरा में देखने वाला। तो ये मेरा कुछ ओपिनियन है, ऑफकोर्स डाउट्स है, देखते हैं कि ये सब कैसा आता है, बट मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सब सोच के ना ऐसा लग रहा है कि एंड्रॉयड साइड पर इतना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, अगर एप्पल अगले 2-3 साल में कुछ इनोवेशन नहीं करेगा ना, तो एप्पल कैन बी द नेक्स्ट ब्लैकबेरी, मतलब कंप्लीटली खत्म हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, व्हाट्सएप पे शेयर करो सभी को।